नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक नाइस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटर ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेक महिंद्रा। इस शेयर के बारे में हमारे बहुत से दोस्तों ने हमसे पूछा और ये स्टॉक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इस समय पर ये शेयर हमें काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रहा है। अगर हम लोग देखें इसे अपने टॉप से लगभग यहाँ पर हमें 83% की छूट मिल रही है हमें शेयर में, यानी कि 83% की गिरावट पर ये शेयर मिल रहा है हमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप हमारे शेयर ने बनाया था 27 दिसंबर 2021, उसके बाद लगातार नीचे ही नीचे चल रहा है। कई बार कोशिश की ऊपर उठने की, लेकिन फिर भी नीचे ही रौंदा गया है ये शेयर। कब तक ये गिरावट चलने वाली है, क्या ये सही समय है स्टॉक में एंट्री करने का, चलिए जानते हैं। और या किसी की पोजीशन इसमें ऑलरेडी है तो क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए शेयर में। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, दो यहाँ पर 1,076 के पर ट्रेड कर रहा है, 1,007 पर समय यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है, अंतिम क्षणों की ट्रेडिंग है। और हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वी सेव डाउनफॉल आया है। मतलब एक तो मार्केट में होते हैं दो तरह की रिकवरी या फिर डाउनफॉल होते हैं, एक होता है वी सेव, उल्टा भी हो रहा है, और एक होता है यहाँ पर हमारा यू सेव रिकवरी जो होती है वो हमेशा थोड़ा सा या फिर वो सस्टेनेबल होती है। अभी हमें देखे ये जितनी तेज़ी से ऊपर गया तो उतनी तेज़ी से नीचे आ गया, तो वही वाला मामला चल रहा है शेयर में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी शेयर में एंट्री या एग्जिट करना चाहते हैं तो उसका ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी किसी शेयर को देखो चार्ट पे, तो आप इस नज़र से देखें कि वो शेयर ऊपर जा रहा है तो इस फॉर्म में ऊपर जाना चाहिए शेयर। और देखिए, ये हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, और अगला हाई जो बनाएगा प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए, और जो लो बना रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए। तब तक प्रीवियस लो टूटते नहीं तब तक हम ये उम्मीद रखेंगे शेयर में कि शेयर ऊपर जा रहा है। और जब किसी शेयर को नीचे आना होता है तो इस फॉर्मेशन में आता है। देखिए, एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा जो कि हाई प्रीवियस हाई से नीचे होगा, फिर एक लो बनाएगा जो कि प्रीवियस लो से नीचे होगा, एक फिर से हाई बनाने की कोशिश करेगा, और फिर वो हाई प्रीवियस हाई से नीचे होगा और फिर लो बनाएगा। इसी फॉर्मेशन में चलता रहता है शेयर। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हाई है, जब तक ये हाई टूटेगा नहीं हम ये नहीं समझेंगे कि ये शेयर और ऊपर जाएगा। अब ये वाला हाई आ गया, प्रीवियस हाई से नीचे है, ये लोअर हाई है, यहाँ पर लो बनाया, फिर नया एक लो बना रहा है जो प्रीवियस लो से नीचे है, तो ये हो जाता हमारा लोअर लो। इसी फॉर्मेशन में शेयर ऊपर या नीचे चलते हैं, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब भी कभी एंट्री करें किसी शेयर में तो ये ध्यान रखें प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है या नहीं। प्रीवियस हाई तोड़ने पर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा। हम लोग देख रहे हैं, अब हमें क्या देखना चाहिए, हम शेयर के इस पॉइंट पे है कि यहाँ पर हमें 1,007 या 6 के वैल्यू पर मिल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो कि हमें शेयर में दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल वो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सपोर्ट लेवल, क्योंकि प्रीवियस लो के आसपास ही हमारा सपोर्ट लेवल है। प्रीवियस लो यानी कि जब तक ये लो टूटेगा नहीं तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर रहे कि शेयर और नीचे जाएगा। ऐसे भी हो सकता है यहीं से अभी शेयर ने अब ऊँची उड़ान भरनी शुरू कर दी हो, यहाँ से हाई बनाया, एक लो बना रहा है, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, और इसी डायरेक्शन में ऊपर जाता रहेगा, तो हम हमेशा अच्छा सोचेंगे। तो ये नीचे आ गया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से शेयर अब ऊपर नहीं जा सकता। अब हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है शेयर में, एक तो प्रीवियस लो और या प्रीवियस हाई, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है। यानी कि ये जो रेंज हो जाती है हमारे शेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि अब यहाँ से ऊपर या नीचे जाने के लिए हमें दोनों ही लेवल को बहुत ध्यान से देखना होगा, 1,172 का लेवल और 935 का लेवल। तो इन रेंज के बीच में हमें डिसीजन लेने हैं इस शेयर में एंट्री करनी है या एग्जिट करनी है। दोनों लेवल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग अगर ऑलरेडी शेयर में आप लोग बने हुए हैं तो ये इंतजार कीजिएगा इन लेवल दोनों लेवल का। अब देखते हैं, देखिए ट्रेंड तो हमें यह समझ नहीं आ रहा कि अभी ना तो अप ट्रेंड में मानेंगे ना डाउन ट्रेंड में। वैसे डाउन ट्रेंड में ही शेयर जब तक हाई प्रीवियस हाई की पोजीशन तोड़ता नहीं है, क्योंकि इससे ये एक हाई बनाया, इससे पुराना भी हाई था जो तोड़ा नहीं है, तो डाउन ट्रेंड में मानेंगे। अप ट्रेंड में कब मानेंगे, जब ये अपना हाई तोड़ेगा,
साथ साथ डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की कंफ्यूजन आपको होता है तो 400 डे मूविंग एवरेज आपके बड़े काम आएगा। आप लोगों हाई लो लो और हाई नहीं समझ में आ रहे तो 400 डे मूविंग एवरेज लगाइए और समझ जाएंगे आप लोग कि क्या कर रहा है। अगर 400 डे मूविंग एवरेज के नीचे शेयर चल रहा है तो हम डाउन ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे और हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन भी हमें यही बता रही है कि अभी डाउन ट्रेंड में है। तो देख सकते हैं जब तक, अब देखिए दोनों लेवल हमारे सेम हो चुके हैं, 400 डे मूविंग एवरेज और साथ साथ हमें यहाँ पर अपना प्रीवियस हाई का लेवल भी यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नई एंट्री के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन बनेगी और प्रीवियस लो जो होगा, मान लीजिए जो भी लो बनाएगा शेयर उससे पहले, उसके नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हायर हाई हायर लो ये प्राइज एक्शन होता है। प्राइज एक्शन की फॉर्म में अगर आप शेयर में अपनी एंट्री करेंगे तो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। तो देख सकते हैं दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, आप लोग नोट करके इन्हें ज़रूर रखिएगा। RSI देखिए, RSI हमें दिखा रही है अभी नीचे का ट्रेंड। देख सकते हैं ये ब्लू वाली लाइन जो है RSI लाइन है, जो हमें ये बताती है कि शेयर कब ओवरबॉट है कब ओवरसोल्ड है। जब भी शेयर ओवरसोल्ड टेरिटरी में लगेगा तो वहाँ से अच्छा बाउंस बैक आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से देखिए कितना अच्छा ऊपर गया शेयर। लेकिन एक चीज़ तय होती है, कई बार ओवरसोल्ड कंडीशन हमारे काम नहीं आती, लेकिन ओवरबॉट कंडीशन हमारे बहुत अच्छे से काम आती है। जब भी ओवरसोल्ड कंडीशन में डेली टाइम फ्रेम पे अगर पहुंच जाता आपका शेयर तो आप लोगों को वहां से अपनी पोजीशन को हल्की कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद खतरे की घंटी आप पे बज चुकी है। उसके बाद कब आपके सिर पे पहाड़ गिरेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले ही जब भी आपके पास मौका है 100 पॉइंट 50 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे पॉइंट के यहाँ पर अच्छे लेवल मिल जाएंगे RSI से भी। तो देखिए हमने यहाँ पर टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट देखे, आने वाली अगर जैसे ये तोड़ता है हाई तो अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए बन जाता है 1500 के लेवल पर। वो तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, साथ साथ हमारा यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं फंडामेंटल कैसे है। टेक्निकल तो बहुत अच्छा लग रहा है शेयर, ठीक है। TechM के बारे में आपको सब कुछ जानते भी, IT कंपनी है। तो ये देख सकते हैं 10,000 करोड़ की, यानी कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी एक तिमाही में, नहीं ना कि पूरे साल में। 9,000 करोड़ देख सकते हैं, 7,000 8,000, और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिटेबल मार्जिन मात्र 12.5% के हैं, क्योंकि IT में थोड़ा सा खर्चा आजकल ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है कंपनी, वरना IT में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रेवेन्यू कम मिले। लेकिन जब कोई एम्प्लॉय इतना कमा के दे रहा है बिना किसी मटेरियल के, तो कंपनियां खर्च भी उनके ऊपर करती है, क्योंकि और जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें आपका एम्प्लॉयज़ तो होते हैं, उसके साथ साथ एम्प्लॉय के साथ साथ आपको मटेरियल पर भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन IT इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयज़ पर खर्च करना है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं कंपनी के। 12.5% का रेवेन्यू है जो कि स्टेबल है, पहले कुछ दिनों में अच्छे रेवेन्यू थे जो कि अब घटकर कम आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिटेबल मार्जिन है जो घट रहे हैं। ये चिंता का विषय है इस कंपनी में, जो डाउनफॉल आ रहा है कि जो प्रॉफिटेबल मार्जिन है वो घट रहे हैं। तो अब नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं सीधे सीधे 8,850 करोड़, यानी 900 करोड़ के करीब कमाए, 1,000 करोड़ ऐसे ही कंपनी के रेवेन्यू चल रहे हैं। लेकिन डाउनफॉल है कुछ समय से, कुछ तिमाही से इसके चलते ही हमारे शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ साथ FNO डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें, 1,006 के आसपास लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है और 1,000 पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये हमें ये दर्शा रही है कि 1,000 के स्ट्राइक पॉइंट पर बहुत सारे पुट राइटर हैं, पुट राइटर यानी पुट बेची हुई है। पुट बेचने का मतलब होता है कि यहाँ से तेजी करना चाहते हैं। देख सकते हैं मंथली इसमें हमें पीछे की तरफ जितना भी इससे मतलब अपनी एट द मनी से नीचे जितना भी कॉल मिलेगी वो हमें हमेशा नीचे की इसमें हमें ग्रीन में दिख रही है, यानी कि सपोर्ट है। ऊपर हमें 1100 पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर कॉल राइटर के बारे में बता रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। कॉल राइटर वो होते हैं जो कॉल बेचते हैं, यानी ये मंदी करना चाहते हैं। देख सकते हैं कि 1,000 पर हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ से आगे प्राइजेक्शन को बनते नज़र आता है आप लोगों को तो एंट्री कर सकते हैं। अगर नीचे के रेजिस्टेंस तोड़ते हैं तो आप लोग वहाँ पर शेयर में निकल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़े यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, काफ़ी नीचे जा सकता है शेयर। तो इसलिए आप लोग दोनों लेवल का, इन दोनों लेवल को आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे चैनल को जिससे आप लोगों को किसी तरह की टिप्स ट्रिक्स देना नहीं, हम लोग आप लोगों को यहाँ से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आप लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, आप लोगों को हम यहाँ से तैयार करना चाहते हैं
इस शेयर मार्केट की जंग में आप लोगों को तैयार मजबूत सिपाही बनाना चाहते हैं। आप लोगों को यहाँ से हमें इस ज्ञान की मुहिम में जो हम ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपके लिए शेयर मार्केट के कोर्स उपलब्ध हैं जिन्हें जाकर आपको देखना है और आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग बेसिक और स्टॉक मार्केट देख सकते हैं या टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग को जाकर देखना है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इस ज्ञान को फ्री बांटने की मुहिम में आप लोगों को हमारे साथ देना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ साथ उन दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाना है जो दोस्त सच में ज़रूरतमंद है और जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से एडवांस सीखें, उन दोस्तों के लिए आप लोगों को हमारे चैनल पर उन तक वीडियो को पहुंचाना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग चाहते किसी और वीडियो के बारे में जानना समझना, किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी स्क्रीन पर दोनों प्लेलिस्ट मौजूद हैं टेक्निकल एनालिसिस की और साथ साथ बेसिक और स्टॉक मार्केट की। आप जाके जरूर उन्हें देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।